देखो अब बाद में लिखना, ऐसा लिख लिया, भेज दिए ग्रुप में। हमको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना, मैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, क्या होता है आगे बताएंगे, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले बाबू मैग्नेट के बारे में आपको जानना चाहिए, है ना, ठीक सर, अच्छी बात है। तो मैग्नेट कल आपको बताए थे दो प्रकार के होता है, एगो परमानेंट मैग्नेट होता है, एगो टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, या एगो नेचुरल एगो आर्टिफिशियल कह सकते हैं। तो जो हम लोग के पास मैग्नेट है बाबू, ये सब मैग्नेट जो है, कौन सा बोला, जो कल एगो टूट के गिर गया बाबू, ये सब जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है। क्या है? परमानेंट मैग्नेट, है ना, परमानेंट मैग्नेट है कि ना, ठीक है ना, है ना, ठीक। एक होता है टेम्प्रोरी मैग्नेट, वो कहाँ से आएगा? वो मैग्नेट बाबू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बनाएंगे, करंट वायर में फ्लो करवाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे। तो वो जो मैग्नेट बनाएंगे उसको कहेंगे टेम्प्रोरी मैग्नेट, ठीक। यहाँ तक की बात तो क्लियर है, कैसे बनाएंगे बताएंगे, है ना, करंट की सहायता से कैसे मैग्नेट बनाएंगे, है ना, बताएंगे, है ना, ठीक। तो मैग्नेट बाबू, मैग्नेट कोई भी मैग्नेट लोगे तो उसमें दो गो पोल रहेगा, इतनी गो मैग्नेट रहे चाहे इतना गो मैग्नेट रहे, कितना बड़ा मैग्नेट रहे, ना, कितना बड़ा मैग्नेट रहे, ठीक है ना, इतनी गो लो चाहे इतना बड़ा लो, कितना हो बड़ा मैग्नेट लो, है ना, उसमें हमेशा दो पोल रहता है ना। एगो को कहते हैं नॉर्थ पोल, एगो को कहते हैं साउथ पोल, है ना, ठीक सर। यहाँ तक की कहानी ठीक है, एकदम स्टोरी बेस है, एकदम जो भी इसमें खाली स्टोरी है, कहानी है, कॉन्सेप्ट है ना, ठीक। मैग्नेट छोटा लो बड़ा लो, मैग्नेट को चूर चूर के महीन महीन भी कर दोगे तो उसमें दो पोल आ जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। इसमें हम लोग पोल वोल बनाते नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट होते रहता है ना, ठीक। अब कोई भी मैग्नेट बाबू अपने चारों एक फील्ड क्रिएट करेगा, क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे आप लोग परफ्यूम लगाते हो तो आपके आसपास में बाबू चारों तरफ जो भी आता है अच्छा अच्छा फील होता है कि नहीं, है ना, स्मेल अच्छा होता है परफ्यूम लगाने से, है ना। परफ्यूम लगाते तो जितना दूर में हो, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे परफ्यूम लगाए तो यहाँ थोड़े दूर तक क्या करेगा आदमी, यहाँ पर जो भी हवा मोलकुल्स है वो धम धम करेगा, क्या करेगा, धम धम करेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार बोला, कोई भी मैग्नेट है अपने चारों ओर क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है ना। तो मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, जो आपको कल हमने डिफाइन किया था, है ना, ठीक, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब इसके फील्ड में बाबू ये मान लो एक मैग्नेट है, ये पूरा का पूरा एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। अब इसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे ना इसके पास में, तो या तो वो अट्रैक्ट होगा चाहे रिपेल होगा, कल करके दिखाए थे ना वो, दो गो मैग्नेट पास लाओ तो क्या हुआ, ये अट्रैक्ट होगा चाहे रिपेल होगा, यही दो गो फेनोमिनन होगा, है ना, ठीक। क्यों सर? क्योंकि दोनों मैग्नेट आपस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एक दूसरे के फील्ड में लाओगे तो अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्सन होगा, ठीक। यहाँ तक की कहानी ठीक है प्रधान। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कहानी आए सर, तो ये फील्ड है बाबू, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाई तो देता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड बाबू, हमको दिखाई नहीं देता, जैसे हवा दिखाई नहीं ना देता, परफ्यूम लगा लेते हो बाबू तो धम धम जो करता है वो दिखाई देता है ना, खाली स्मेल से पता चलता है ना कि हाँ परफ्यूम धम धम के, है ना, ठीक। उसी प्रकार बाबू मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है, उसको हमको कैसे दिखाई देगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड को बाबू रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइन्स यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स कहते हैं ना। ये सब जो लाइन है ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है ना। मैग्नेट ये चारों ओर अपने और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ना जी, तो उसको कैसे दर्शाओगे, उसको कॉपी किताब पे कैसे दर्शाओगे, जो चीज नहीं दिख रहा है उसको कैसे दर्शाओगे? तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइन्स यूज करते हैं ना, लाइन्स यूज करते हैं। तो ये जो लाइन दिख रहा है तीर वाला, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है ना, ठीक। यहाँ तक कहानी ठीक है, मन से पढ़ते चलना धर्म, है ना। अब इस जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है ना, क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है ना, प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो आपको याद रखना है, याद रखना। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है सर, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स हुआ तो इसको रिप्रेजेंट तो कर दें, अब इसका तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, कैसे, ऐसे कुछो कुछो कर देंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेगा, कुछो कुछो कर देगा। मान लो यहाँ से मैग्नेट है तो जैसे तैसे कर देगा, ऐसे 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 नागिन दास की तरह जैसे तैसे, इसका एक सिस्टम है, इसका क्या है, एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम के तहत रिप्रेजेंट कर। मान लो मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना तो एक तरीका होता कि कुछ हो, है ना, कुछो कुछो कर देगा, प्लस माइनस वे के जगह कर देगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाबू रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू पहला जो होता है, हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाहर निकालेंगे, है ना, ये कसम खा के याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकालना। देखो सारा का सारा नॉर्थ पोल से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर है ना, ठीक। सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है ना बाबू,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्या करना, नॉर्थ पोल से बाहर निकालना, बाहर निकल गया तो ये जाके हमेशा मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा क्लोज होता। अगर यहाँ से निकल चुका तो ये बाबू कहीं दूर से भी जाके कहीं ना कहीं इसके साउथ पोल में आके एंट्री करेगा ही करेगा। ठीक ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा क्लोज कर्व होता है। अगर नॉर्थ पोल से निकल गया है तो वो डेफिनेटली बाबू साउथ पोल में जाके टर्मिनेट करेगा ही करेगा, एंट्री करेगा साउथ पोल में जाके। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकाल चुके हो तो ये जाके कहाँ करेगा, साउथ पोल में जाके एंट्री करेगा। ये निकाल चुके हो तो ये कहाँ जाके मरेगा, साउथ पोल में जाके मरेगा। जैसे यूनिवर्सल सच्चाई, आदमी पैदा ले लिया है तो 50 साल, 60 साल, 100 साल, लेकिन एक दिन मरवे करेगा। ये यूनिवर्सल सच्चाई बाबू है ना, अमर कोई नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार भोला भोली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर नॉर्थ पोल से निकाल दिए हो तो जाके कहाँ टर्मिनेट करेगा, साउथ पोल में। भले नजदीक में जाके टर्मिनेट करे, चाहे दूर में जाए, चाहे कितना हो बड़ा जाए, है ना, लेकिन हमेशा बाबू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा और साउथ पोल पे जाके इंटर होगा, है ना। ठीक से तो यहाँ से क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को नॉर्थ पोल से निकाल दो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्या करो, नॉर्थ पोल से निकाल दो, और कहाँ जाकर टर्मिनेट करेगा, साउथ पोल में। याद रखना हमेशा, है ना, हमेशा कहाँ टर्मिनेट करेगा, साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट करेगा, है ना। ठीक ठीक सर, ऐसा सीधा आएगा। तो मान लो ये सीधे निकल रहा है, ये बहुत सारा यहाँ से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेगा ना, ये मैग्नेट्स बहुत, तो ये सीधे निकलेगा तो इन्फिनाइट से घूम के आएगा साउथ पोल में। इसीलिए यहाँ से देखो एरो, एगो बाहर की ओर और एक एरो अंदर की ओर। मान लो यहाँ से ऐसे, ऐसा नहीं कहते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे बहुत दूर दूर तक होगा, इसका मैग्नेटिक ऑफ फील्ड यहाँ से लाके बहुत दूर दूर तक होगा, है ना, बहुत दूर दूर तक हो। नॉर्थ पोल से निकलेगा तो साउथ पोल में क्या करेगा, एंट्री करेगा, हमेशा याद रखना, है ना। तेरा कैंडल ठीक खत्म करेगा ना सर। हाँ, हमेशा निकल गया, मान लो ये सीधा भी निकाल दोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, अब फिर वहां से रिटर्न होकर आपको साउथ पोल में आ जाएगा, है ना, साउथ पोल में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो यह एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मैग्नेट के बाहर कैसे होता, मैग्नेट के बाहर कैसे होता, तो नॉर्थ पोल से निकालते हैं, साउथ पोल में एंट्री करते हैं। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मैग्नेट के बाहर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नॉर्थ से साउथ, याद रखना। ये मैग्नेट के बाहर वाला रीजन है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में, ऐसे फंस जाओगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस वो मैग्नेट के बाहर किधर होता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर कैसे होगा, लहराएगा पहले नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, है ना, ऐसे करके रहेगा, कैसे ओके निकल सब की लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। अब मैग्नेट के अंदर कैसे होगा, मैग्नेट के अंदर कैसे होगा, शांति से समझना, है ना। तो मैग्नेट के अंदर बाबू जैसे ही आया तो इस तरह से क्या करेगा, क्लोज कर्व बनाएगा, इस तरह से क्या बनाएगा, क्लोज कर्व, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज कर्व, ऐसा नहीं कि यहीं पे आके खत्म हो जाता है, इसके अंदर अब ट्रेवल करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भोला, है ना, इसके अंदर आएगा। ये आ गया, ई वाला लाया तो इसके अंदर आ गया, ई वाला आ गया इसके अंदर आ गया, ई वाला आ गया इसके अंदर आ गया, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मैग्नेट के अंदर कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, एक क्लोज कर बनाता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझो कि यहीं पे आके खत्म हो गया, यहाँ से चला नॉर्थ पोल से और आके फिर नॉर्थ पोल पे मिलेगा। तो मैग्नेट के बाहर कैसे जा रहा, नॉर्थ से साउथ जा रहा, और मैग्नेट के अंदर घुसेगा तो किधर हो जाएगा, मैग्नेट के अंदर घुसेगा तो कहाँ हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। तो इस बात को याद रखना, है ना, इस बात को याद रखना, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर सिंपल एगो याद रखेगा तो दूसरा हो जाएगा, मैग्नेट साउथ पोल से घुसेगा ना जी, एंट्री करेगा ना जी, तो एंट्री कर करके कहाँ आएगा, नॉर्थ पोल पर आएगा। तो इस तरह से होते रहेगा, है ना। ठीक, ऐसा में वीडियो ऑन करो। तो पहला यही लिखल था इंग्लिश में, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड बाबू आउटसाइड द मैग्नेट एंड इन साइड द मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस साउथ से नॉर्थ, इस बात को याद रखना। ठीक, अगला क्या कहता है वो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस वो कंटिन्यूअस कर्व, ये क्या देता है, एक क्लोज कर्व देता है, कंटिन्यू ब्रेक नहीं, है ना, ऐसा नहीं यहाँ से चला टूट टूट के, टूट टूट के, ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग बाबू जिस दिन से पैदा लेते हैं
मरने तक हमेशा क्या होता, हम लोग का एज बढ़ते रहता बढ़ते रहता बढ़ते रहता है ना, कंटिन्यूअस होता है, कभी एज घटता उठता नहीं ना जी। तो ठीक उसी प्रकार बोला, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से निकल गया तो ये जाके टर्मिनेट होगा साउथ पोल से, या फिर साउथ, ये साउथ पोल में जाके आएगा, अब फिर मैग्नेट के अंदर कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा। कोई भी मैग्नेट के अंदर इस तरह से क्या बनेगा, क्लोज कर्व बनेगा। कैसे सर, कैसे सर? अरे शैतान मेरे, है ना, ये मान लो अंदर मैग्नेट है तो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से ऐसे ये टर्मिनेट होगा इस तरह से, है ना, मैग्नेट के अंदर ऐसे हो जाएगा। मान लो ये मैग्नेट बनाओगे ना जी, समझते चलना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कहाँ हो जाएगा, मैग्नेट के अंदर कैसे हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा सारा का, जितना इधर से गया उतना इधर से ये पास हो जाएगा, उतना इधर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना, इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, है ना। तो ये क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है, क्लोज कर्व बनाता। नेक्स्ट बाबू, द टेंजेंट राइट एनी बाबू पॉइंट, अब सर इसका डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट ड्रा करो। आपको बताए थे क्लास 9 में, फिर टेंजेंट क्या होता है, कोई भी कर्व पे बाबू टच करता हुआ जो लाइन ड्रा करेंगे, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर दो, क्या है ना, ये कर्व है ना है जी, तो कर्व पे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का है ना, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स का हम लोग कैसे निकालेंगे, वहां पे एक टेंजेंट ड्रा कर देना, जो टेंजेंट डायरेक्शन होगा वही वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो जनरली किधर आएगा, नॉर्थ से साउथ आए, है ना। नेक्स्ट बोला, दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, ये कोई बात याद रखना है ना। मतलब क्या सर, दो को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं करता, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स नहीं होगा, किस तरह से सर, इस तरह से बोला, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बाबू, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में आएगा ऐसे करके, है ना, ये निकला ये आया ऐसे करके आएगा, है ना, इधर से निकला इधर से आ गया, ये नॉर्थ से निकला साउथ में आ गया, इधर से निकला और इधर से आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा कि एगो निकालोगे ऐसे, ना अगेन ना अगेन ना अगेन, ऐसे क्रॉस करते हुए नहीं पास करेगा, है ना, ऐसे क्रॉस करते हुए नहीं पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, ऐसा है ना बाबू, ऐसे नहीं होगा, ना अगेन ना अगेन ना अगेन, है ना, ऐसे क्रॉस करते हुए नहीं पार करेगा, बोला नागिन डांस की तरह, दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, कहा है सर, क्योंकि भोला लोग वीडियो ऑन करो, कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्रॉस करता है तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वहां पे कंपास का डायरेक्शन करने में चाह कंफ्यूज आ जाएगा ना जी, जैसे क्या सर नहीं समझ में आ रहा है, भोला अगर दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्रॉस कर देगा भोला, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कल आपको बताया था ना बाबू, कंपास की सहायता से कंपास लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं और कंपास धीरे धीरे लेके जाते हैं, और कंपास का जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ पे कंपास रखो, तो कंपास का डायरेक्शन इधर आएगा, कंपास रखो यहाँ ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और इस तरह से कंपास का साउथ पोल ऐसे होगा, है ना, ऐसे हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन, निकालते हैं कैसे, कंपास की सहायता से, है ना। ठीक, तो ये जो कंपास का निडल ऐसे हो रहा है ना, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्रॉस कर गया है ना, यहाँ से मान लो ऐसे जा रहा, और दो मान लो ऐसे करके क्रॉस कर गया, तो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है आपके पास तो कंपास एक ही हुआ है, इस पॉइंट पे कंपास रखोगे तो मैग्नेट बेचारा कंफ्यूज, कंपास क्या हो जाएगा वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, कंफ्यूज आ जाएगा, अरे यहाँ पे दुगुन है बाबू, तो यहाँ पे कंपास रखोगे तो कंपास इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा, है ना, एक पॉइंट पे बाबू कंपास हमेशा एक ही डायरेक्शन, एक वो कंपास है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा जी, दो डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, है ना, क्रॉस नहीं करेगा, याद रखना है ना। तो वही लिखा है, नो टू या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्रॉस नहीं करता, क्रॉस नहीं करेगा। ठीक, द फील्ड ऑफ लाइन्स बाबू इन्फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पर्लर, अगर बाबू कहीं भी इन्फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आगे पढ़ाएंगे सोलेनोइड, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन्फॉर्म होता, तो इस मैग्नेटिक, इफ मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब क्या सर, जैसे आगे सोलेनोइड पढ़ाएंगे भोला, है ना,
होता है नहीं होता पढ़ना है सब मन से ही, खाली थ्योरी बेस क्लास। जैसे मान लो ये क्या है, सोलेनोइड है, सोलेनोइड क्या होता है आगे बताएंगे, है ना, इस तरह से क्या है सोलेनोइड है बताएंगे। तार को ऐसे ऐसे लपेट दो ना जी, तंदरा होलो स्ट्रक्चर होगा, वही सोलेनोइड होता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। क्योंकि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, इनफॉर्म होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाबू कॉन्स्टेंट है, इनफॉर्म है, तो उसका लाइन से हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वही लिखा हुआ, द फील्ड ऑफ लाइन इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, मोर क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड। अब कहीं भी बाबू बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बहुत ज्यादा है ना बाबू, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगा, हम लोग कहेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, है ना। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, उस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या उतना ज्यादा है। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट आपका था। माही ब्रियोन करो, किससे रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से रिलेटेड। ये सारा याद रखना, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे बाद में जब खत्म करेंगे तो, है ना। अब आगे क्या बाबू, है ना, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या चीज, क्या चीज है ना, क्या चीज है। इसको समझने के लिए बाबू, जैसे मान लो भोला, समझो खाली थ्योरी बेस्ड क्लासेस है। कहाँ गया जी, पेन ड्राइव कहाँ गया भोला, क्या कहता है जी बाबू मेरे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको समझो। आईसी की सहायता से बहुत सारे चीज, है ना, यूज किया गया आपका। जैसे क्या है बाबू, मान लो ये वायर है, अभी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, बात को समझना। तो जैसे इस वायर में करंट अगर फ्लो हो रहा, तो ये वायर क्या हो जाता, मैग्नेट हो जाता। बहुत बड़ी बात है कि नहीं, अभी सिंपल ही क्या है, वायर है, कोई मैग्नेट नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खोज था, है ना, बहुत बड़ा खोज था बाबू। इससे दुनिया एकदम पलट गया, आपका पंखा तंखा जितना भी सारा सारा इसी खोज, इसी कंसेप्ट पे है। कोई भी ये वायर अगर है, तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा, तो ये वायर क्या बन जाता, मैग्नेट बन जाता। तो अब आपके मन में दिमाग उठेगा, हमारे घर में तो खाली वायर है, वायर है सर, बॉल बत्ती जलते रहता तो मैग्नेट बन जाएगा, बनता है ना, मैग्नेट बनता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता, है ना। ठीक, इस बात को कैसे प्रूफ करोगे, इस बात को कैसे प्रूफ करोगे, हम जो बात बोल रहे हैं इसको कैसे प्रूफ करोगे, हम क्या बोल रहे हैं, समझ। कोई भी करंट कैरिंग अगर वायर है, ये मान लो करंट कैरिंग वायर है, तो ये कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह, है ना, मैग्नेट की तरह, है ना। तो जब यही करंट कैरिंग वायर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। कैसे बता रहे हैं, बता रहे हैं, शांति से समझते चलना, है ना। ये बहुत बड़ी बात है बाबू, आप लोग को नॉलेज नहीं था अभी तक, है ना। अब सीखो, कोई भी करंट कैरिंग अगर वायर है, धर्मवीर शैतान, तो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है ना, है ना। ठीक सर, तो उसी पे अब जो भी हम लोग सीखेंगे, यही सीखेंगे, मैग्नेट बन जाता, उसका बहुत अप्लीकेशन है। इस बात को जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी याद रखो, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है ना, किसी भी वायर में बाबू करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसा बिहेव करता, मैग्नेट की तरह, कैसा बिहेव करता, मैग्नेट की तरह। इस बात को हमको प्रूफ करके बताइए सर, बता रहे है ना, बता रहे। तो वही यहाँ इंग्लिश में लिखल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बेसिक यही दो लाइन है ना, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो वही भेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मतलब क्या, जिस वायर में करंट फ्लो रहा है ना, स्टार्ट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूजेज हम लोग क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास पंखा है ना, आपका पास मोटर है, मोटर कौन सा, कोई भी मोटर, छोटा मोटर, बड़ा मोटर, कोई भी मोटर है ना बाबू। खिलौना वाला मोटर देखे कि हो, खिलौना वाला मोटर देखे हो ना जी, ठीक। और बाबू घर में जो पानी भराता समरसेबल वाला मोटर, वो भी देखो, सारे में सारे यही कंसेप्ट यूज होता है ना। आपका इलेक्ट्रिक स्कूल में जो इलेक्ट्रिक बेल बजता है टन टन, वो उसमें भी क्या रहता है, यही रहता है। ठीक, अभी इस बात को हमको कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो देखो शांति से समझना। ठीक, नेक्स्ट बाबू देखो, ये कंपास है, शांति, आप ये कॉन्सेप्ट सीखो, फिर वीडियो दिखा देंगे, है
है ना, इस बात को आप कैसे प्रूफ करोगे? भला कल तो एगो टूट के गिर गया, है ना। देखो समझो जी, ये कंपास है ना, शांति समझना, है ना। ये क्या है? कंपास है। अभी ये कंपास का निडिल बाबू तभी डिफ्लेक्ट होगा, शांति से जिस बात को बोल रहे हैं उसको एकदम एक एक बात एकदम याद करते चलना। हमने आपको क्या बोला है स्लो मोशन में एकदम, कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा, है ना। माही कौन गई जी? एगो जी इसका सौम्या शैतान, किसका दिन भारी हो गया। देखो जी ईसा भोली, ये कंपास है, तो ये कंपास का निडिल बाबू, ये जो कंपास है भोला, ये कंपास का निडिल तभी डिफ्लेक्ट होगा जब इसके पास में मैग्नेट लाओगे। इस बात को याद रखो, कंपास का निडिल तभी हिलेगा डोलेगा जब इसके पास क्या लाओगे? मैग्नेट लाओगे। अगर इसके पास कुछ हो लेके आओ, है ना, मार्कर लेके आएंगे, कंपास का निडिल हिल डुल रहा है, नहीं ना जी, कुछ हो लेके आओ, है ना, कुछ हो लेके आओ, मोमबत्ती लेके आओ, मान लो हमारे पास कुछ हो लेके आओ, देखो कैंडल लेके आए, नहीं ना हिला जी कंपास का निडेल। ये कंपास का निडेल तभी हिलेगा डूलेगा मूव करेगा जब इसके पास कोई मैग्नेट लाएंगे। क्या लाएंगे? मैग्नेट लाएंगे, है ना। बाकी मैग्नेट के सिवा कोई भी चीज लेके आओ, लोहा लक्कड़, है ना बाबू, कापी किताब कुछ हो लेके आओ, कंपास का निडेल जिंदगी में कभी मूव ही नहीं कर सकता। ये बात याद हुआ? ये कंपास का निडेल तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब इसके पास क्या लेके आएंगे? मैग्नेट लेके आएंगे। अदरवाइज मैग्नेट के सिवा कोई भी मटेरियल लेके आओगे, ये कंपास का निडेल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो मार्कर से नहीं ना डिफ्लेक्ट कर रहा, नहीं ना डिफ्लेक्ट कर रहा, नहीं सर, अरे देखो ना जी, नहीं ना, नहीं हिल रहा, ठीक। अब इसके पास क्या लाते हैं? मैग्नेट लेके आता है। ये मेरा क्या है? मैग्नेट है ना, रिंग मैग्नेट है। अभी देखो हिला, सटा नहीं रहे, हिल रहा है कि नहीं? हिल रहा, हिल रहा ना, देखो ना जी नजदीक से देखो, ठीक, ऊपर ग्लो करता, चलो ठीक है, फोकस किया ना, हाँ हिल रहा है ना बाबू, देखो तो, आ हा, क्या मैजिक है, मैजिक है ना जी, देखो तो, है ना, बिना टच किए हिल रहा। मतलब यहाँ से क्या निकालते हैं, आप शांति से समझना, एक एक बात समझते चलना, कितना अच्छा से हिल रहा है, बिना टच किए हुए हिल रहा है ना, ठीक है बोलो। मतलब सर इस कंपास के पास बाबू मैग्नेट लेके आएंगे तभी इसका निडल क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक। अगर आप शांति से सुनो, अगर नॉर्मल ये वायर है, इस वायर को लेके आएंगे तो नहीं हिलेगा। अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये वायर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और इस जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर को कंपास के पास लाएंगे, चाहे कंपास को वायर के पास लेके जाएंगे, है ना, तो अगर कंपास का निडिल डिफ्लेक्ट कर गया तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते सर? वायर क्या था? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। पहले बात हमने आपको क्या बोला? हमने ये बोला बाबू, ये कंपास का निडिल तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब इसके पास में मैग्नेट लाओगे, है ना, ठीक, तभी डिफ्लेक्ट करेगा। तो कोई इसके पास हम ऐसा मटेरियल लेके आ रहे हैं जो हमको पता नहीं है कि मैग्नेट है कि क्या है, नहीं है ना। अगर उस मटेरियल को इसके पास लाने से अगर नीडल डिफ्लेक्ट कर गया तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि वह मटेरियल कैसा था? मैग्नेट था, मैग्नेटिक मटेरियल था। अरे मेरे शैतान, जैसे कागज में मोड़ मार के बोला है ना, कुछ हो बाबू कागज में ले लो मोड़ मार के, है ना बाबू, कुछ रख लो। अगर कंपास का निडिल डिफ्लेक्ट कर रहा है तो कहेंगे मटेरियल कैसा था? मैग्नेटिक था। नहीं समझ रहे? इसमें समझना क्या है बोला, है ना, ठीक। सुनो शांति से, सब शैतान एकदम चेहरा लटका लेता है, पूछिए जी, कुछ है जी, कुछ है जी भोला। चलो देखो, ये कागज है ना, ठीक, पेज है, शांति से समझना, है ना बाबू। अब इसमें आपको पता नहीं है क्या है नहीं है, जो है ना, क्या है नहीं है जो पता नहीं है ना, पता नहीं है, ठीक। लेकिन भोला शांति से समझो, उस कागज के अंदर क्या है नहीं है आपको पता नहीं है ना, पता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट भोला, एगो दो कागज है ना, अब इसके अंदर क्या है नहीं है, ये दोनों है जी, क्या है नहीं, नहीं ना पता है जी, ठीक ठीक बोला। अब इसको एक यहाँ पे दबाते हैं। अब इस मटेरियल को बाबू, इसमें अंदर क्या है नहीं किसी को नहीं पता है, अगर मैग्नेट इसके पास है ना, इस मटेरियल के पास बाबू, कंपास के पास अगर मैग्नेट लेके जा रहे हो और इसका निडिल देखो डिफ्लेक्ट अगर कर गया
तो कहेंगे सर इसके अंदर जो मटेरियल था क्या रहेगा, मैग्नेटिक रहेगा। अगर नहीं डिफ्लेक्ट करेगा तो कहेंगे इसके अंदर मैग्नेट वाला नहीं है, तो पास ला रहे हैं, नहीं ना डिफ्लेक्ट हो रहा है जी। तो हम लोग कहेंगे इसमें जो कुछ हो जो भी है सर वो मैग्नेटिक नहीं है ना, मैग्नेटिक चीज नहीं है, क्या है सर, है ना, इसमें कुछ हो कुछ ऐसी हुए बाबू, है ना, यह कॉपर सल्फेट है। ठीक, नेक्स्ट, शांति से समझना। अब एगो और निकालते हैं, आ जा, अब इसको लाते हैं, इसको लाते हैं। अगर इसको लाने से कंपास हिल गया तो हम लोग कह सकते हैं सर इसमें जो है, इसमें जो है क्या होता है, मैग्नेट रहेगा। कंपास हिला तो कहेंगे इसमें मैग्नेट है, नहीं हिला तो कहेंगे इसमें मैग्नेट नहीं है। ये देखो मैं है, अब इसको पास लेके जाते हैं, है ना, हिला जी, देखो हिल रहा है, हिल रहा है ना बाबू, हिला हिला ना जी, और नजदीक लेके जाओ, देखो हिला ना, है ना, ठीक। मतलब क्या सर, हम लोग कह सकते हैं सर देखो कितना अच्छा से हिल रहा है, देखो तो, है ना, हम लोग कह सकते हैं सर इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है, इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है। ठीक, अब एक्चुअल में इसके अंदर मैग्नेट ही है, इसके अंदर क्या है, मैग्नेट ही है। इसको खोलोगे तो इसमें क्या निकलेगा, मैग्नेट ही निकलेगा। इस बात को समझो जी, समझ गया, गिर मत जाना जी शैतान। देखो इसके अंदर क्या निकला, मैग्नेट निकला, है ना। तो ठीक उसी प्रकार बोला, अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है और ये कंपास का नीडिल अगर डिफ्लेक्ट कर गया इसके पास लाने से, तो हम लोग कह सकते हैं सर वायर कैसा है, मैग्नेट है, वायर कैसा है, मैग्नेट है ना। ठीक ना, इतना समझ गया। तो आगे कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, है ना। अगर कोई करंट कैरिंग वायर के पास कंपास लेके जाते हो और कंपास का नीडल अगर डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये वायर कैसा है सर, मैग्नेट की तरह बिहेव करे लगा। अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही करंट इसमें फ्लो होने लगता है, करंट इसमें क्या होता है, फ्लो होने लगता है, तो कंपास का नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है, क्या करने लगता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है ना। देखते बाबू होगा वीडियो इसका तो दिखा देते हैं, किसी को एक्टिविटी के द्वारा आप लोग समझ सकते हो। स्कूल लेट ना हो गया सोम्या, आज असमय नहीं से जाना कहाँ है, कोचे, आज आज नहीं जाना है सर। नहीं जाना है, चलो अच्छी बात है, जितना समझाए हैं है ना, तो इसी की सहायता से आगे पूरा का पूरा क्लास इसी की सहायता से बनेगा, है ना। आपका मोटर, जनरेटर, फीटर जो भी रहे, इसी कॉन्सेप्ट से होता है कि वायर में करंट फ्लो करवाता है, वहां से मैग्नेट बनाता है, और उस मैग्नेट को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। ठीक, होगा देखो जी, होगा वीडियो तब ना बाबू, समझते चलना, थ्योरी बेस क्लास है, मजा आएगा पढ़ने में, बस इससे आसान कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट बहुत दिन से देखे भी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट, ब्रशलेस डीसी कंपास, 1 2, ये तो मैग्नेट वाला करवाइए दिए थे, बोला डीसी मोटर कहाँ पे, बोला मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, वर्क्स ऑफ फ्यूज, हाउ डज इंडक्शन मोटर, हाउ टू यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम लोग क्या, ये एक्टिविटी किया है, इसके वीडियो से मतलब हमको नहीं है। देखो क्या किया गया, शांति समझना, ये जो एक्टिविटी है भोला, शांति समझना, ये क्या ले लिया गया, बैटरी ले लिया गया है ना, ये तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक सेल है, HW वाला, ये सेल तो आप लोग देखे कि भोला बहुत सारा, एक इधर सेल के लिए कैप है, ये क्या आपका कंपास है, एक वायर लिया गया, क्या लिया गया, वायर लिया गया, सिंपल सा, ये हम लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कर सकते हैं ना, बढ़िया वाला रहेगा मैग्नेट तो कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेगा, इस वायर को बाबू इसमें इस बैटरी से कनेक्ट करो और उस पे जाके कंपास को रखो, अगर कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो कहेंगे वायर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर हो रहा है, अगर नहीं डिफ्लेक्ट करेगा तो कहेंगे वायर में मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है ना। तो यही किया गया है ना, यही किया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आपको बताया गया, कंपास के निडल मैग्नेट लाते हो तो निडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता, इसके सिवा कुछ भी मटेरियल लेके आओगे तो निडल जिंदगी में कभी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो अगर वायर लाने में वो करंट कैरिंग वायर को पास लाने से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं
बाबू वीडियो ऑन करो जी, कि बाहर में क्या हो रहा है, मैग्नेट आ रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मैग्नेट आ रहा है ना, मैग्नेट आ रहा है, इसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है ना भोला। ठीक नेक्स्ट बाबू। ठीक ये मैग्नेट आपको करके दिखा रहा है और कुछ नहीं किया गया है ना, मैग्नेट पास लाता है निडिल हिलता है, मैग्नेट दूर लेके जाता है निडिल नहीं हिलता, निडिल नहीं हिलेगा है ना, नहीं हिलेगा। मान से पढ़ा धर्मवीर, समझते चला, एक कंसेप्चुअल टॉपिक है बोला। आप देखो क्या करेगा, यह प्लक हो गया बाबू, ये सब हम लोग के पास है, करके दिखा दे देंगे कभी। कनेक्ट किया, दो टर्मिनल है, यहाँ से बाहर कनेक्ट करेगा, देखो बाहर कनेक्ट कर दो, दिखाई दे रहा है जी, लो दिखाई दे रहा है बाबू, बायर कनेक्ट कर दिया है ना, और बायर पे क्या रख दिया, कंपास रख दिया। ठीक अब कर, अभी कंपास का निडिल नहीं ना डिफ्लेक्ट कर रहा, अभी निडिल नहीं डिफ्लेक्ट कर रहा, और जैसे करंट को फ्लो करवाएगा तो कंपास का निडिल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, देखो डिफ्लेक्ट हो गया है ना, फिर हटाएगा तो डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा है ना, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बंद, देखो हो गया, पहला प्रीवियस स्टेट में आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं बाबू, कि जो भी करंट कैरिंग वायर है, देखो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना जी, तो जो भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, शांति समझना, ये बात को, ये बहुत बड़ी खोज थी बाबू है ना, इसी से पूरा दुनिया हिल गया। पहले सिंपल इसको वायर पे रख दे तो मैग्नेट कभी नहीं डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो करवा देते हो तो देख नहीं रहे हो ये नीडिल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको सूर्य में बोले नीडिल तभी डिफ्लेक्ट होगा जब इसके आसपास मैग्नेट लाओगे, आपको हम सूर्य में बोले कि इसी नीडिल तभी डिफ्लेक्ट करेगा तो जब इसके पास मैग्नेट, अगर मैग्नेट के सिवा कुछ हो लेकर आओगे ना, कुत्ता बिलाए घोड़ा हाथी, तो हिम्मत नहीं है कि इसके नीडिल को डिफ्लेक्ट करवा देगा। तो अगर इसको नीडिल को बाबू कोई चीज लाने से अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हम कहेंगे वह सबस्टांस कैसा है, मैग्नेट ही है, मैग्नेट के कारण ही इसका नीडिल डिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद कुछ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे ही यह बैटरी कनेक्ट किया बाबू है ना, शांति से देखो, ठीक जैसे देखो बैटरी कनेक्ट कर रहा है ना, उलट के पुलट के डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो देखो निडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हुआ ना जी, नहीं दिख रहा जी, ऐसा धर्मवीर नहीं दिखता जी, धर्मवीर टूट गया जी, दिख रहा धर्मवीर है सर। शैतान जिंदगी में जी लगा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी की सहायता से बाबू हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे है ना, तो इसी की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। तो वो भी लगला आपको दिखाई देते हैं ना, उसके बाद हम लोग है ना पढ़ेंगे, कल आपको बताएंगे, पहले अभी टाइम है ना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, कैसे सर कैसे सर, शांति से समझना। ठीक देखो क्या किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे है ना, कैसे बनाएंगे देखो बाबू, यहाँ पे यूजेज वगैरह बताया गया कि करेंस वगैरह में यूज करते हैं, ये सब बच्चा वाला चीज है लेकिन समझाना भी जरूरी है ना, ये करेंस है, इसमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तभी ना बाबू जो ये आपका स्क्रैप्स है, आयरन स्क्रैप्स है, इसको क्या करता है, उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो है ना, तो जब इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से मैग्नेट बनाएंगे उसको नाम क्या दे देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है ना, देखो कैसे बनाएंगे है ना, वही बता रहे हैं, जल्दी लाओ ना जी। देखो मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए, सिंपल सी बाबू कुछ नहीं चाहिए, एक बैटरी ले लेना, ये आपका बैटरी बाबू, एक आयरन नेल ले लेना, ये क्या बाबू आयरन नेल है, तो अभी ये सिंपली क्या है, आयरन नेल है, अभी क्या है, ये आयरन नेल है ना, काटी का टुकड़ा है, ये काटी है, काटी है, लोहा का काटी है ना। तो अभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे है ना, तो ये आयरन नेल क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो ये जब ये आयरन नेल बाबू इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेट बन गया, तो इसी आयरन नेल को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कुछ नहीं है, दसवां में दिया पढ़े लगे, ये हम छठे में पढ़ाते हैं, इसी आयरन नेल में बाबू करेंट अगर फ्लो करेगा और ये कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा, तो यही आयरन को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेट कह देंगे, क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं फ्लो किया तो सिंपल आयरन करने, तो इसीलिए इसको जो मैग्नेट बनेगा इसको कैसा मैग्नेट कहेंगे, टेम्पोरी मैग्नेट, क्या नाम देंगे, टेम्पोरी मैग्नेट है ना, टेम्पोरी मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे है ना सर, कैसे बनाएंगे सर,
है ना, तो ये है आपका बायर लेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट है वो सामान लेंगे, बायर ले लेंगे, है ना, कुछ पेपर क्लिप्स ले लेंगे, ये आपका क्या है पेपर क्लिप्स वगैरह है ना। अब क्या करो, कुछ मत करो, इस तरह से सेटअप को तैयार कर लो, है ना, ये आयरन नेल हो गया, इसमें बायर को लपेट दो, ऐसे ऐसे नहीं लपेट सकता है, ऐसे ऐसे लपेट दो, ठीक, यहाँ से दो टर्मिनल निकालो, दोनों टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दो, अब जैसे ही इसको सटाओगे बैटरी से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, अब जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा तो बगल वाला जो पेपर क्लिप्स है ये क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अभी इसमें करंट खुला हुआ, क्या है खुला हुआ, अभी क्या है खुला हुआ, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं करेगा, काटी सिंपल क्या रहेगा, काटी रहेगा, ठीक, तो ये पेपर क्लिप क्या है दूर में है, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, इसमें जैसे ही करंट फ्लो करवाएंगे तो पेपर क्लिप क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो पेपर क्लिप अट्रैक्ट होगा वो, तो हम लोग कह सकते हैं ये आयरन का नेल क्या बना है, मैग्नेट बना है, तो करंट फ्लो होगा तो ये पेपर क्लिप अट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ये मैग्नेट बन जाता है, करंट खत्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, है ना, तो यही आपका देखो है ना, यही आपको यहाँ पे दिखाया गया करके, देखो देखो सटाया है ना बाबू, सटाया ना भोला, ये दोनों साइड में सट गया, तो जैसे ही सट गया बाबू तो पेपर क्लिप इधर भी क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, इधर भी पेपर क्लिप क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, है ना, अट्रैक्ट हो गया कि नहीं, तो ये अब क्या बन चुका, अब ये पेपर, ये जो आयरन काटी का टुकड़ा था मैग्नेट बन चुका, क्या बन चुका, मैग्नेट बन चुका, है ना, तो किसके सहायता से मैग्नेट बना, करंट की सहायता से, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर इसको हटाओ, ये मैग्नेटिक पावर खत्म, मैग्नेटिक पावर खत्म, फिर करंट सटाओ, मैग्नेटिक पावर आएगा, इसको हटाओ, करंट का है ना, मैग्नेटिक पावर खत्म, है ना, तो ये कैसा मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है ना, कम टेम्पररी मैग्नेट, आइए हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है ना, तो यही मेरा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो यहाँ से हटाएगा पेपर क्लिप हट गया, इसको हटाएगा पेपर क्लिप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, ध्यान से शांति से देखना, है ना, ये भी है ना बाबू कॉन्टेक्ट में, क्या कॉन्टेक्ट में, देखो हट गया तो पेपर क्लिप नीचे गिर गया, है ना, हटा तो पेपर क्लिप क्या गिर गया, नीचे गिर गया, है ना, तो यही मेरा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, जो आयरन नेल है वही क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, है ना, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना, तो इसको कल आप लोग को लिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला क्लास, ये बाबू आपका मजेदार क्लास होगा, इसमें खाली कंसेप्ट सीखना है और न्यूमेरिकल नहीं है, सबसे बड़ा बात है आपको न्यूमेरिकल से डर, न्यूमेरिकल है नहीं, खाली कंसेप्चुअल चीज है ना, कंसेप्चुअल चीज है ना, कंसेप्ट खाली सीखते चलेंगे, ठीक है बाबू, जिंदगी जाइए, अगला बैच का टाइम हुआ भोला, छोटे का छोटे बच्चा उसको है आइंस्टीन वाला है, उसको बनाना है, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बाबू, हाँ बाबू अभी गुड नाइट होता है जी, बोले शैतान है सोन, हाँ सर सोने ना जा रहे हैं सर, तो गुड नाइट है ना बोलेंगे। चलो बाबू वैष्णवी, कौन है जी, साक्षी, समझ में आता है प्रधान, ए बाबू प्रधान प्रधान।